अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये संडे की शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये आप इतना खलारा देखे। आज हमने डीप क्लीनिंग की है। डीप क्लीनिंग का वैसे तो कोई ख़ास इतना इरादा नहीं था, लेकिन ये मैं आपको वॉल्स वगैरह दिखा रही हूँ। ये सारी ना हमारी ख़राब हुई थी, पानी जैसे दीवारों में आ रहा था उस वजह से सारा पेंट उखड़ा हुआ था। सारी वॉल्स ना ख़राब हुई थी तो हमने पेंट करवाया है। इधर सारी अंदर रूम में हर रूम की वॉल तकरीबन ख़राब ही थी नीचे नीचे से। और ये हमने बेड की कुछ सेटिंग भी चेंज की है। तो बस सारा दिन इसी में गुजर गया। मैंने और अली ने मिलके हमने सफाइयाँ की। 11 बजे पेंटर आया था, 4 बजे वो गया और उसके बाद से बस हमने सफाइयाँ की हैं। घर का सारा फजूल का खिलारा, एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी थी वो सारी निकाली। इतनी चीज़ें हर जगह स्टोर रूम ही बना हुए थे सारे रूम, वो बस फजूल की चीज़ें निकालनी, क्योंकि नूर के साथ मेरे से इतना काम फिर कर नहीं होता कि बंदा क्या क्या निकालता फिर है। तो बस आज लगे हाथ, जैसे होता है ना कि अगर शुरू कर लिया तो फिर सारी घर की अच्छे से सफाई हो जाती है, बस वही काम चल रहा था इधर भी। और ये हमारे पास सोफ़ा एक पड़ा था, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था, उसमें हवा भर के चेक कर रहे थे कहीं से ख़राब तो नहीं है। लेकिन एक जगह पे इसकी बैक वाली जो टेक सी होती है उसमें एक होल था, तो उसकी वजह से इसकी सारी हवा फिर निकली जा रही थी। फिर से हमने क्लीन वगैरह किया सारा। इसे लाउंज में हमने सेट किया क्योंकि हमने कोई भी सोफ़ा वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेरी रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब है और इसलिए प्राइवेट जॉब ही है। और फिर हमने बस मैच वगैरह देखा, खाना खाया, और मैच में बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत दुख हुआ। कल जितनी एक्साइटेड होकर मैं मैच देखना चाह रही थी, जितना मज़े से मैच देखना था, और उतना ही एंड में दिल टूट गया। चलें खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। फाइनल्स में हमेशा पाकिस्तान ऐसे ही करता है। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, मंडे का व्लॉग है और ये दोपहर का तकरीबन टाइम था। और बस मैंने सोचा कुछ सुबह से कुछ करने के लिए था नहीं, कोई व्लॉग बनाने के लिए कोई चीज़ थी नहीं, तो बस मैंने ये क्लीन करने थे ड्रॉअर अपने, तो बस डीप क्लीनिंग इसकी भी की। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं, इतनी सारी पोनियाँ, रबड़ बैंड सब कुछ, इसमें मेरे हेयर बैंड्स पड़े हैं और कुछ फैंसी पिन्स जो क्लिप्स वगैरह लगाने के लिए, ब्लैक पिन्स और सेफ्टी पिन, उनको बस ऑर्गेनाइज किया मैंने। जी बस नूर अभी दोपहर का भी अपना सोकर उठ गई थी, तो हम कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, क्योंकि मैं तो सुबह में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और दोपहर में कुछ भी नहीं खाती, बस ऐसे ही कोई लेज वगैरह, कोई नीमको कभी इस तरह से कुछ खा ली। और बस मैं और नूर इधर बैठ के अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने उसके बाद नूर के कपड़े वगैरह चेंज करवाए। और अभी बस अली का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए और फिर खाए पियेंगे कुछ, बताएं आगे क्या खाना है वो बनाऊंगी। स्पेशल अचार को
अचारी हांडी अचार कोची यू भी यूं कर ले ये तो चुन निकाल दो बना ले यार जल्दी से फिर भूख लगी है फिर खाना खाए ओके कितने फर्मा बरदार आपको सुनाऊं चलें जाओ नीनो कर ये मेरे हस्बैंड ने मज़ेदार सी हांडी बनाई है और अभी बस हम ये खाना खाने लगे हैं और इसके बाद नूर को बाहर लेकर जाएंगे बुलाओ कैसे ऐसे बुलाओ जाओ कैट को हगी करो जाओ हगी करो इधर कैट उसके पीछे छुप गई ओ मियाओ आंखें कैसे दूर दूर से चमक रही हैं और अपना दिन को अब एंड करते हैं और ये कहवा पी के फिर सोने की तैयारी करते हैं और नूर इधर मस्तियां कर रही है चलो मानो बाय बाय कर दो ओके गाइस तो ये था आज का सारा व्लॉग आज का और कल का और इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ गुगु बाय बाय कर दो दुपट्टा उठाओ मम्मा का गुड गर्ल चलो बाय बाय कर दो